सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हो गए। दोस्तों तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है आप लोग के लिए लेकर एक और न्यू स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। जो आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई कोई लव स्टेटस का ट्यूटोरियल कर रहा हो, जो हमारे सुपर स्टार जाने माने भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार पवन जी का सॉन्ग पर लेकर आओ। तो दोस्तों हमारा भाई आ चुका है पावर स्टार पवन जी के गाना पर न्यू स्टेटस मतलब न्यू स्टाइल में वीडियो एडिटिंग का टोटल। तो उससे पहले एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के जो हम आपको स्टेटस देने वाले हैं वो न्यू इफेक्ट के साथ देने वाले हैं। तो फटाफट से आज का टोटल देख लीजिए मतलब प्रीव्यू देख लीजिए, लेट्स गो। जो अभी स्टार्टिंग में जो स्टेटस देखे दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, कि दोस्तों आप लोग का भाई आपके लिए एक नहीं दो तीन आज इफेक्ट क्रिएट किया है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक लग रहा है। जो आप लोग ने देखा दोस्तों वीडियो क्लिप के साथ ग्लास इफेक्ट, उसमें से और एक शेप निकल रहा है जो अपने आप में बहुत ही यूनिक तरीके से इफेक्ट लग रहा है। और दोस्तों आगे देखने को मिला होगा जो गोल सर्कल चक्रिया जैसे नाच रहा है सर्कल में, वो बहुत ही कमाल का इफेक्ट रहा है। और दोस्तों वीडियो में देखा दोस्तों आपने लाइट इफेक्ट जो आपको क्रिएट किया गया है, जो बीट के हिसाब से लाइट इफेक्ट में क्रिएट किया हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भाई चैनल पर फर्स्ट विजिट करते हैं उन भाई लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा 5 के फैमिली है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो सब फटाफट से आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ओके, तो दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार के अपना या किसी और के फोटो लगाकर इस तरह के स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं जो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, दोस्तों वीडियो को एकदम फुल वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपसे ये स्टेटस बन रहा मतलब बनेगा ही नहीं। तो पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं तो आपसे ये वीडियो नहीं बनेगी। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपके पास रहना चाहिए अलाइट मोशन, जो आपको मेरे प्ले स्टोर मिल जाएगा एंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, जहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे तो दोस्तों ओल्ड सॉन्ग बीट मार्क और यहाँ पे ओल्ड सेक इफेक्ट आप देख सकते हैं। सेक इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र 5 इफेक्ट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ओल्ड सेक इफेक्ट में देखिए यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में ऑल इफेक्ट जितना भी इसमें प्रोजेक्ट में बनाया हूँ एकदम रेडी करके दे दिया हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हैं तो आपको थोड़ी मोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आज की वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए हम शुरू स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बनाना कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट आपको दोनों चीज़ मिल जाएगा, एंड आपको जितने भी मटेरियल यूज होते हैं आपको सॉन्ग बीट मार्क पर ही क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो एकदम आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। एंड मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंपोर्ट करने में प्रोजेक्ट को, दोस्तों हाउ टू डाउनलोड बीट मार्क प्लस सेक इफेक्ट उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है इसको। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करना है, पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कहाँ कहाँ फोटो लगाना है कहाँ कहाँ नहीं लगाना है ये आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोटो लगाने के लिए हम लोग बैक करेंगे, पहले प्लस एन क्लिक करके 9.16 ग्रे क्लिक करके प्लस एन क्लिक करके मीडियम जाके यहाँ पे फोटो ले लीजिए। जैसे कि मैं फोटो लिया हूँ बैक करके शेयर कैम क्लिक करके फ्रेम में PNG को सेव कर लीजिए, मतलब आपको PNG में सेव कर लेना है, मतलब आपको फोटो सेव कर लेना है। इस साइज में आपको कितने फोटो कर लेना है, कम से कम तो 4 फोटो या 5 फोटो को कर लीजिए है, ठीक है। तो पहले ही बता रहा हूँ, करने के बाद फिर से प्लस में क्लिक करना है, फिर से आपको 4.5 की रेशियो लेना है। मेरा बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 4.5 9 वाला फोटो के रेशियो में आपको 9.16 के रेशियो में 4-5 फोटो ले लेना है और 4.5 के रेशियो में मात्र 1 फोटो को लेना है, ठीक है। तो इस फोटो में भी एक साइज को आप फोटो को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार से क्लिक फिर क्लिक किया और अपने से एडजस्ट करके इसको भी आपको शेयर कैम क्लिक कर फ्रेम स्पेंज करना होगा, ठीक है। तो इसको आपको एक कर लेना, तब आपका वीडियो बनेगा, इसी फोटो पर ही आपका वीडियो पूरा रुका हुआ है।
तो दोस्तों आप देखिए क्या क्या करना है, ऊपर के स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, ये जो आपको VST दिख रहा है नीचे में, इस पर क्लिक करना है, कलर स्विच देना है और यहाँ पर जो आइकन इस पर क्लिक करके बस फोटो को आपको रिप्लेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आई क्लिक में आपका हो जाएगा, फिर से इसमें भी यही सेम प्रोसेस है, इसमें भी फोटो को रिप्लेस कर लेना है, लेकिन आपको 9.16 के रेशियो वाला फोटो रहना चाहिए, पहले बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो फिर आप कहेंगे भाई नहीं आ रहा इसमें, मतलब चकुर मागुर हो जा रहा है फोटो, तो पहले बता रहा हूँ 9.16 के रेशियो में फोटो आपको रहना चाहिए, जितना आपका ये वीडियो मतलब इस तरह से होगा। अब देखिए दोस्तों मेन काम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपका जो अगर मोबाइल कम क्वालिटी का होगा, 2 GB रैम होगा तो आपका इग्नोर आ जाएगा, मतलब लैपटॉप आ जाएगा इसी में, इसीलिए बोल रहा हूँ इसका लिए आपको वीडियो को लास्ट देंगे कैसे कैसे इसमें क्या करना है, बहुत चीज़ बताऊँ कि भाई फोटो इसमें रिप्लेस कर लेना, लेकिन इसमें फोटो रिप्लेस नहीं करना है आज की वीडियो में, आपको करना है वीडियो रिप्लेस, तो वीडियो को पहले देखिए, यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपका वीडियो जो है ना लटपटाने लगेगा, ठीक है, टकटकाने लगेगा एकदम, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर करेंगे काम। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉन्ग के ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा इमेज, ठीक है, इमेज इस पर क्लिक करना है और कलर स्विच जाकर फिर से इस पर क्लिक करके आपको 9.16 के रेशियो वाला ही फोटो इस साइज में भी लेना है। तो देखिए मैं कोई भी यहाँ पर फोटो ले लेता, जैसे ये ले लिया, ठीक है, बैकग्राउंड में फोटो लग गया, ठीक है। अब देखिए इमेज 2 बिना स्टेटस टैग उस पर भी क्लिक करना है, ये कलर स्विच जाके सॉरी यहाँ पे एडिट ग्रुप पे जाना है, एडिट ग्रुप जैसे ही आएंगे तो दोस्तों ये पिक्स आर्ट इस पर क्लिक करना है, कलर स्विच जाके इस पर क्लिक करके आपको उसको फोटो को मतलब इसी वही जो आप फोटो लिए हैं वही फोटो यहाँ पर भी लेना है, ध्यान रहे, ठीक है, तब आपका ये फोटो आएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करके तो आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, आ गया। अब देखिए ये गोल सर्कल में भी फोटो नच रहा था, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिना स्टेटस टैग सबसे ऊपर लिख रहा है इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है और दोस्तों यहाँ पर जो बिना स्टेटस टैग दिख रहा है ऊपर इस पर क्लिक करना है, कलर स्विच जाके आपको ये सेलेक्ट रहेगा, ये वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो VST आ जाएगा, फिर से बैक करके फिर से इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पे आ जाना है और बिना स्टेटस टैग पे क्लिक करके फिर से आपको 4.5 के रेशियो वाला फोटो रिप्लेस करना है, पहले बताया था 4.5 के रेशियो में फोटो आपको चाहिए तो चाहिए एक फोटो, देखिए मैं कोई भी यहाँ पर 4.5 के रेशियो वाला में फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पहला ही हम आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4.5 के रेशियो में कोई फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी मान लीजिए मैं कोई ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस में क्लिक कर दूँगा। अब इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इस प्रकार से रिप्लेस कर लीजिएगा, आपको अपने हिसाब से फोटो का एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी फोटो हम लोग का आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, देखिए सब काम रेडी हो चुका है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सब मैं चीज़ में करके दिया हूँ आपको, ठीक है, ये काम हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आगे, ठीक है, फिर से आपको 9.16 के रेशियो वाला में इसमें भी फोटो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो 9.16 के रेशियो में यहाँ पर मैं लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं इस यहाँ पर मेरा फोटो है, तो यहाँ पर मैं कहाँ पर रखा हूँ देखता हूँ कहाँ पर है, ठीक है, सर पिक्स आर्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर 9.16 के रेशियो में बहुत सारा फोटो पहले ही सेट करके रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हो गया, इसमें भी 9.16 के रेशियो में रिप्लेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले इफेक्ट लगाने के लिए, 11.26, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लस में क्लिक करके मीडिया ऐप जाके फोटो लेना है, 3 AM क्लिक करके फिल्म से एरिया क्लिक कर देना, मतलब फुल स्क्रीन में कर लेना है, आगे वाला तीर आइकन क्लिक करके बच्चों के भाग को कट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इफेक्ट कहाँ कौन लगेगा, बैक करके सेकंड इफेक्ट में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट आप मिलेगा, आपको इसको क्लिक करना है, इफेक्ट को क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, बैक कर देना है, बैक करने के बाद सॉन्ग बेट मार्क में आ जाना है और आपको वहीं पर चले जाना है यहाँ पर, ठीक है, अपने फोटो यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगाया, ठीक है, इस पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट तो करना है, ठीक है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वाला इफेक्ट कहाँ तक पेस्ट होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है 11.26 से लेकर आपको ये जहाँ तक लेयर जा रहा है पीला वाला यहाँ तक आपको लगाना है, ठीक है, उसको देखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा, तो यहाँ से दूसरा इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ तक आप यहाँ तक लगा लीजिएगा 17.02 तक, ठीक है, यहाँ पे 11.26 से लेकर 17.02 तक आपको इसी वन वाला ही इफेक्ट लगाना है, फिर यहाँ से दूसरा इफेक्ट लगाना है 17.02 के बाद, प्लस में क्लिक करके मीडियम जाकर फिर से दूसरा फोटो लेना है और इसको भी फिल कम से एरिया मतलब फुल स्क्रीन में कर लेना है और कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, दूसरा इफेक्ट, ठीक है, बैक करके सेक इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे दूसरा इफेक्ट ये आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद बैक करके सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है दोस्तों और आपको वहीं पे फिर से आ जाना है, यहाँ पर हमने फोटो लगाया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फोटो सॉरी यहाँ पर कहाँ गया देखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फोटो क्लिक करिए, पेस्ट पे कर देंगे, मात्र एक फोटो, ठीक है, एक फोटो को हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा इफेक्ट लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा इफेक्ट तो आप लगा लीजिएगा, कोई फोटो लगा लीजिएगा और यहाँ पर फुल स्क्रीन में कर लेना है, कट कर देना है, ठीक है। अब तीसरा इफेक्ट भी लगा लीजिएगा, तीसरा लगाया तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आ जाना है और 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 है, इसको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करें, कॉपी कर लेना है तीसरा इफेक्ट को,
और यहाँ पे फिर से आपको आ जाना है, फिर आपको तीसरा ही फिर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें क्लिक करके पेस्ट पे कर देना है। फिर आप देखेंगे तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाके फोटो लेना है, ठीक है, और इसको भी फुल गेम से एरिया कर देना है, मतलब फुल स्क्रीन में कर देना। और यहाँ पे आपने जो 19.18 से जो फोटो लगेगा ये वाला कॉपी करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर जो लगाया है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है या दूसरा इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये दूसरा इफेक्ट ही यहाँ पर भी ऐड होगा। तो यहाँ से लेके आपको बताता हूँ कहाँ तक ऐड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके ये जहाँ तक लेयर जाएगा पीला वाला, आपको आगे आप तो समझ जा रहे हैं, यहाँ तक लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 22.11 तक कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या लिख दिया, चौथा इफेक्ट, ठीक है, तीसरा इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर चौथा इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो प्लस क्लिक करें मीडिया पर जाके चौथा वाला, चौथा नंबर पर जिससे कि इफेक्ट में फोटो होगा उसको कॉपी करके यहाँ से दो फोटो में ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कितना पॉइंट 23.15, ठीक है, 23.15 के बाद कौन सा इफेक्ट लगेगा, पहले यहाँ पर चौथा इफेक्ट लगा लेते हैं बैक करके इससे की इफेक्ट में आके, और यहाँ पर चौथा इफेक्ट ये आ रहा है, इस पर क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से सॉन्ग बेट मार के आके आपको वहीं पर लगा के आपको दिखाया था। मैं तो कहेंगे कि भाई अब दिखाते नहीं, खाली बता देते हैं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 22.11, ठीक है, यहाँ से लेके आपको ये जहाँ तक ये चौथा इफेक्ट का लेयर जा रहा है यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 23.15, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस क्लिक करके मीडिया पर जाके पहले फुल स्क्रीन में फोटो कर लेना है, उसके बाद इसको कट कर देना है बिट के हिसाब से, उस पर बैक कर देना है, बैक करने के बाद आपको सेकंड इफेक्ट में आ जाना है, और जो लास्ट में इफेक्ट ये आ रहा है इसको कॉपी कर लेना है दोस्तों, कॉपी करके बैक करके आपको यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है, और आपको वहीं पर जाके चले जाना है यहाँ पर, ठीक है, इफेक्ट पर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो इफेक्ट का काम है एकदम से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और आगे अब देखिए यहाँ पर भी फोटो रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, प्लस इन क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, और मैं एक आपको वीडियो क्लिप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दो रहेगा, ठीक है, ऑल वीडियो क्लिप के नाम से रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। पहले आपको ये वाला इफेक्ट का लगाना है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर रिंग लाइट बैकग्राउंड में है, तो आप देख सकते हैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लगा लिए और इस पर क्लिक करके आपको इससे मिलाना है, ठीक है। अब देखिए ये लाइट इसमें आ रहा था, आप देख सकते हैं इसको पहले फुल स्क्रीन में कर लेना है पहले, ठीक है, फुल स्क्रीन में करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइट आ रहा था इस वीडियो में, तो लाइट कैसे लगाना है, इसके नीचे ही आपको एक पीला में आएगा, तो इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप देखिए क्या करेंगे, इस वीडियो में इसी वाला इफेक्ट को पेस्ट कर दें, ठीक है, ध्यान रहे, सॉरी, यहाँ पे ये पीला जो है इसको कॉपी कर लेना है, और ये वीडियो वाला ये वीडियो में इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आ चुका है, ठीक है, तो इस प्रकार से लाइट आपको बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काम था हम लोग का ना, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो आपको बिना स्टेटस से एक वीडियो लिख रहा है तो उस पर क्लिक करना है, कलर्स भी जाकर फिर से आपको एक वीडियो आपको ये वाला रहेगा, देख सकते हैं, तो ये भी 5 सेकंड का है, इसको प्लस सेकंड यहाँ पर कर देंगे, तो जैसे आप फोटो रिप्लेस करते हैं वैसे ही आपको वीडियो रिप्लेस करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से ऊपर वाला भी बिना स्टेटस टैग वीडियो जो आपने वीडियो अभी रिप्लेस किया फिर आपको वही वाला वीडियो फिर से प्लस में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी वीडियो आ जाएगा, देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी वीडियो चल रहा है और आगे भी चल रहा है, जो आपको बैकग्राउंड एकदम से रिमूव प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही ओसम तरीके से वाला इफेक्ट लग रहा है। अब इसमें आपने देखने को मिला होगा प्रीव्यू वीडियो में ग्लास इफेक्ट, ठीक है, प्लस में क्लिक करके मीडिया पर जाके आपको ग्लास इफेक्ट यहाँ पर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ग्लास इफेक्ट का भी नाम डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप सब चीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा मेरा, ध्यान रहे, ठीक है। अब इसको तो उसको फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसको ब्लेंडिंग में जाना है, लाइट में जाके स्क्रीन कर लेना, मात्र स्क्रीन करने के बाद अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो ग्रुप बना हुआ है बिना स्टेटस से इसको करना है पकड़ और इसको कर देना है एकदम ग्लास इफेक्ट के ऊपर, तब क्योंकि ये बैकग्राउंड में लग जाएगा ना तब और हैवी लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है और वीडियो भी चल रहा है और हम लोग का वीडियो जो बन गया अब इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसे काम है ही नहीं, ठीक है। सब आपका वीडियो बन गया है, अब शेयर का बटन क्लिक करना है क्योंकि आप पहले नहीं बताया था कि आपका वीडियो कहीं फंसने लगे तो आपके मोबाइल में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, शेयर का बटन क्लिक करना है, एक्सपोर्ट कर लेना दोस्तों, आपका वीडियो एकदम आपके गैलरी में सेव कर लेना, उसके बाद आप देखिए कैसे धमाका कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो का लाइक कर दीजिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।